टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान को नौपाड़ा पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें, ताऊते तूफान की वजह से ठाणे, कलवा, दीवा, मुमरा में कई जगह पर झाड़ गिर गए थे, मगर अभी तक इन झाड़ों को हटाया नहीं गया है, ऐसा शानू पठान का कहना है। और आज ठाणे महानगर पालिका के हेड ऑफिस पर विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान टूटे हुए झाड़ की टहनी लेकर विरोध करने पहुंच गए थे। इस दौरान शानू पठान ने कई आरोप भी लगाए हैं। हालांकि शानू पठान टूटी हुई झाड़ की टहनी लेकर सभा में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें रोक दिया। आपको बता दें, जिसके बाद नौपाड़ा पुलिस पहुंच गई और विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान को हिरासत में लिया गया है। शानू पठान का यह भी कहना है कि रोड पर जो झाड़ गिरे हुए हैं उन्हें हटाया नहीं गया है और कई झाड़ ऐसे हैं जो गिरने वाले हैं, लोगों के जान के लिए खतरा बना हुआ है। शिकायत भी इन झाड़ों को लेकर मिल रही है, लेकिन वही जिस तरह से आज विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान मनपा कार्यालय पर विरोध कर रहे थे, इसी दौरान नौपाड़ा पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। आप ये तस्वीरें देखें, विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान को पुलिस लेकर अपने साथ जा रही है, ये तस्वीरें हैं। प्रयोग करिए महापालिका, लेकिन काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, लेकिन वो नहीं करेगी। बोलो, मास्क क्या भरती है? मास्क भर गया। आवाज उठाने पे पुलिस प्रशासन का प्रयोग करेगा तो ऐसी 100 बार गिरफ्तारी मंजूर है, लेकिन बार बार थाने की जनता, थाने कर की जो आवाज है वो महापालिका का जो आंख है वो खोल के रहेंगे और डरेंगे नहीं। जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में ऐसे आप इसके ऊपर आंदोलन होगा, अब प्रशासन को जो करने का है वो अपने तरीके से कर ले, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में इसके ऊपर आंदोलन करेगी। जल्दी जल्दी जल्दी